हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवा अंगारे। तो आज का पैक जो है वो है पपीते का। जो पपीता होता है वो हमारे चेहरे को इतना स्मूथ, फेयर और डार्क सर्कल जो होते हैं हमारे वो हटाता है, स्पॉट हटाता है, रिंकल्स हटाता है और अनइवन टोन जो स्किन हो जाती है उसको भी हटाता है। तो चलिए शुरू करते पैक बनाना। तो लिया है मैंने पपीता। पपीते को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है मिक्सी जार में डाल के। और हम बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्रब इसका। तो स्क्रब बनाने के लिए हम लेंगे एक खाली बाउल, उसमें लेंगे एक चम्मच पपीता। देखिए ये मैंने लिया एक चम्मच पपीता और इसमें ये दरदरी, ये चीनी है जिसको मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है, वो भी हम लेंगे एक चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तब ये अच्छे से स्क्रब बन जाए। तो ये ले लिया है मैंने, बना लिया स्क्रब करने के लिए। और दूसरा जो लेंगे फेस पैक बनाने के लिए वो लेंगे हम एक चम्मच पपीता। फिर से सेम कंडीशन, एक चम्मच लिया हमने पपीता और लेंगे हम चंदन पाउडर। तो ये मैंने आयुर का चंदन पाउडर लिया है, एक चम्मच चंदन पाउडर। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है या आपको सूट नहीं करता है चंदन पाउडर, तो इसकी जगह आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं या फिर ओट्स का जो पाउडर होता है वो ले सकते हैं। और आधा चम्मच लिया ये मैंने रॉ मिल्क, आधा चम्मच ले लिया ये मैंने रॉ मिल्क। और चाहिए आधा ही चम्मच चाहिए हनी, ये मैंने ले लिया आधा चम्मच हनी। और इसको अच्छे से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमको मिक्स करना है ताकि ये एक दो मिनट रखा रहेगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स करना है, एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो ये पेस्ट बन गया, अब हम इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए एक फाइन पेस्ट बन गया है, इसको हम सेट होने के लिए रखेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने ये लिया है गर्म पानी, उस पर मैंने एक टॉवल को डिप कर दिया है। अब इसको अच्छे से निचोड़ देंगे। देख, स्टीम के लिए भी है बोल सकते हैं आप, जो आपके चेहरे से जो डेड स्किन होती है उसको निकालेगी। तो इस तरीके से आपको अपने चेहरे को, पूरे चेहरे को अच्छे से पोंछना है। मैंने चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है। इस तरीके से आप अपने पूरे चेहरे को साफ करेंगे, इस तरीके से लगा के बाद इस तरीके से आपको पूरे चेहरे को साफ करना है। इस तरीके से आप अपने पूरे चेहरे को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रब जो बनाया था हमने, तो ये है स्क्रब, आपको अपने चेहरे पे लगाना है। तो ये लिया है मैंने स्क्रब, अपने चेहरे पे लगाना है इस तरीके से, इस तरीके से अच्छे से रब करना है। आपको सेम कंडीशन है, स्क्रब आपको सिर्फ 2 मिनट तक यूज़ करना है। इस तरीके से आप पूरे सर्कुलर मोशन में करेंगे अपने चेहरे को, इस तरीके से आपको पूरे चेहरे पे स्क्रब करना है। स्क्रब जो होता है वो डेड स्किन निकालता है, डेड स्किन रिमूव करेगा। तो आप कोई भी पैक लगाएंगे तो वो अच्छे से असर करेगा। अगर आपके चेहरे पे पहले से ही गंदगी है और ऊपर से आपने ये पैक लगा लिया तो वो कोई असर ही नहीं करेगा। जब तक डेड स्किन रहेगी, परत रहेगी मोटी गंदगी की, तो आपको कैसे इसका असर मिलेगा। इस तरीके से आपको कम से कम 2 मिनट तक करना है। तो 2 मिनट हो गए, अब मैं इसको वॉश करती हूँ। देखिए मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है, उसके बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे। जब मैंने सिर्फ स्क्रब किया है तब इतना अच्छा ग्लो आ रहा है, इतनी अच्छी स्किन लग रही है, तो पैक लगाने के बाद कितनी बेहतर लगेगी स्किन। इस तरीके से आपको पूरा पोंछना है। अब आती है हमारी पैक लगाने की बारी। मैंने जो पैक बनाया था वो अच्छे से सेट हो चुका है, देखिए कितना अच्छे से सेट हो चुका है।
सकते हो। तो कोई भी फेस पैक अप्लाई करने से पहले आपको लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको अपने चेहरे पे अच्छे से लगाना है पूरे चेहरे पे, ताकि जो पैक है ना वो और अच्छे से रिजल्ट दे आपको। और कोई भी पैक हो, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पपाया का ही पैक हो, कोई भी फेस पैक लगाने से पहले आपको अच्छे से ग्लिसरीन लगानी है, अगर आपको ग्लिसरीन सूट करती है तो। इस तरीके से आपको लेनी है ग्लिसरीन। तो ये ली मैंने ग्लिसरीन और अच्छे से अपने पूरे फेस पे मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको पूरे फेस पे लगा के अच्छे से पहले मसाज करनी है, कम से कम 30 सेकंड तक अच्छे से आपको इस ग्लिसरीन से अपने चेहरे पे मसाज करनी है, क्योंकि ग्लिसरीन आपके चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद जो है आपकी स्किन बहुत टाइट टाइट सी हो जाती है, रूखी रूखी सी हो जाती है, वो नहीं करेगी। ग्लिसरीन आप किसी में भी डाल सकते हैं, जैसे आपके पास लोशन है तो उसमें डाल लीजिए, हैंड वॉश आता है उसमें भी ग्लिसरीन आई, तो जो ड्राइनेस होती है बाद में वो नहीं होगी। तो इस तरीके से चाहे तो आप बेबी जो लोशन होता है उसमें भी डाल सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। तो ये मैं पैक लगा रही हूँ, इस तरीके से आपको पैक लगाना है पूरे चेहरे पर। पैक लगा के सुखाने तक छोड़ देना है इसको। आप इसको आँखों के आसपास भी लगा सकते हैं, डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है। इस तरीके से आपको लगाना है। ध्यान रखिए, आप चाहते हैं कि एक दिन में डार्क सर्कल जो है रिमूव हो जाए, या डार्क स्पॉट होते हैं, चोट के निशान पुराने से पुराने होते हैं, एक दिन में रिमूव हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कम से कम उसको यूज़ करना चाहिए, कम से कम 15 दिन बाद इसका रिजल्ट मिलता है आपको, तो उसका ध्यान रखिए। और वो बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, तो डाइट भी आप अच्छी लीजिए, सैलड वगैरह खाइए और अच्छे से पानी पीजिए। पानी जितना ज़्यादा पी सकते हैं आप उतने ज़्यादा पानी पीजिए। और सैलड तो आपको अच्छे से खाना है, हफ्ते में एक बार विटामिन सी का कोई भी फ्रूट लेना है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी हो, तो उसको आपको ज़रूर लेना है। तो सूखने के बाद मैं आपको चेहरा दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं तो मैं आपके सामने ही अपने चेहरे से पैक को रिमूव करके दिखाती हूँ। तो सेम कंडीशन है कि आपको वही गुनगुना पानी टॉवल में लेना है। सबसे पहले आपको करना है कि कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो उसको अच्छे से मसाज करें। इस तरीके से आपको मसाज करनी है, इस तरीके से आपको पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज करेगा। हमने अच्छे से मसाज कर लिए, अब हम इसको रिमूव करेंगे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस तरीके से आप देखें, मैंने अपना चेहरे से पैक को रिमूव कर दिया। आप खुद ही देखेंगे कि चेहरा कितना क्लीन लग रहा है, कितना स्मूथ लग रहा है। और जैसे बेबी सॉफ्ट स्किन होती है, उसी तरीके से सॉफ्ट स्किन हो चुकी है। देखिए आप, इस तरीके से सॉफ्ट हो जाती है स्किन को। और आपको इसको स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, आप डेली बनाइए, डेली लगाइए। स्टोर करके रखेंगे तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, देखिए मैंने रिमूव कर दिया और देखिए स्किन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्लियर दिख रही है। तो आपको हमेशा इस ट्रिक को फॉलो करना है अच्छे से। और देखिए, आपकी थोड़े दिन में आपके चोट के निशान हैं, डार्क सर्कल हैं, जो भी हैं आपकी स्किन पे, जो भी काले धब्बे हो जाते हैं पिंपल्स के, वो भी हट जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिले, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।